हेलो स्टूडेंट, आरसीई एजुकेशन ऑफ बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी क्लास में कुछ बेसिक टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पादप की प्रारूपिक संरचना, टिपिकल प्लांट स्ट्रक्चर। ध्यान देंगे, ये पादप की प्रारूपिक संरचना है जिसकी मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करेंगे। मॉर्फोलॉजी क्या है? आकारिकी है, जिसके अंदर पादप की बाह्य संरचना व उसके आकार का अध्ययन किया जाएगा, जिसके बारे में आपको पहले बता दिया गया था। देखिए, ध्यान देंगे आप कि पादप की प्रारूपिक संरचना क्या है, कि एक पुष्पी पादप मुख्यतः दो अंग तंत्रों का बना होता है। नंबर एक मूल तंत्र, जिसे बोलते हैं रूट सिस्टम, जिसे कहेंगे रूट सिस्टम। नंबर दो होता है प्रेरो तंत्र, शूट सिस्टम। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मूल तंत्र क्या है। पौधे की प्रारूपिक संरचना में दो भाग आप देख पा रहे हैं, ये वाला है रूट सिस्टम और ये वाला है शूट सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या है? कि पौधे के भूमिगत भाग को, जो भूमि के अंदर है जिसे आप नहीं देख पा रहे, भूमिगत भाग को मूल तंत्र कहा जाता है, रूट सिस्टम। ध्यान रहे, जिसके अंदर प्राथमिक मूल है, उसी से निकलने वाली द्वितीयक मूल है और इसी से निकलने वाली तृतीयक मूलें हैं, ये सभी सम्मिलित होती हैं। ये किस में होती हैं? रूट सिस्टम। इसका निर्माण होता है जो भ्रूण के मूलांकुर से होता है। ध्यान रहे, इसका निर्माण होता है जो भ्रूण के किससे होता है? मूलांकुर से। अर्थात मूल तंत्र पौधे का कौन सा भाग होता है? भूमिगत भाग। मूल के शीर्ष भाग के ऊपर एक टोपी समान संरचना पाई जाती है, जिसे रूट कैप बोलते हैं, मूल गोप। ध्यान रहे, मूल गोप क्या है? रूट कैप क्या है? ध्यान रखना है कि मूल के शीर्ष भाग के ऊपर पाई जाने वाली सुरक्षात्मक टोपी क्या कहा जाता है? मूल गोप। अर्थात यह मूल के शीर्ष भाग को नष्ट होने से क्या करती है? बचाती है। क्लियर है? यानी ये क्या काम करती है कि मूल का जब शीर्ष भाग जमीन में वृद्धि करता है, उसको नष्ट होने से बचाने का कार्य कौन करती है? मूल गौ। तो ये था अपना मूल तंत्र, जिसके अंदर प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, तृतीयक मूल, ये सभी सम्मिलित होकर मूल तंत्र का निर्माण करती है। उसके बाद में नंबर दो आता है प्रेरो तंत्र, शूट सिस्टम। प्रेरो तंत्र, प्रेरो तंत्र क्या है? कि पौधे के वायु विभाग को, जिसे आप देख पा रहे हैं, वायु विभाग को क्या कहा जाता है? प्रेरो तंत्र बोलते हैं। और इसका निर्माण होता है जो भ्रूण के प्रांकुर से होता है, यह आपको ध्यान रखना है। किससे होता है? प्रांकुर से। प्रेरो तंत्र होता है, ये पौधे का वायु विभाग है जिसे आप देख पा रहे हैं, और इसका निर्माण भ्रूण के किससे होता है? प्रांकुर से, जिसके अंदर स्टेम, तना होता है, पत्ती होती है, पुष्प होते हैं, फल होते हैं, ये सभी किस में आते हैं? शूट सिस्टम में आते हैं। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखें कि प्रेरो तंत्र का निर्माण किससे होता है? प्रांकुर से। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि प्रेरो तंत्र का निर्माण किससे होता है? प्रांकुर से। और यदि बात आई कि मूल तंत्र का निर्माण होता है जो किससे होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? मूलांकुर। ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान देंगे आप कि अपने पास ये प्रेरो तंत्र है, और प्रेरो तंत्र के अंदर ये सूट अपेक्स है, प्रेरोसिस, यानी प्रेरो का शीर्ष भाग को क्या बोलेंगे? प्रेरोसिस बोलेंगे। फ्लोर है, जिनकी बाएं आकार की आप आगे पढ़ेंगे। और इसके अंदर ये है कक्षस्थ कलिका, यानी पत्तियों के कक्ष भाग में एक कलिका समान संरचना है। ये काई कलिका या पुष्प कलिका हो सकती है। ये पारोसंधि नॉट, ध्यान रहे पारोसंधि क्या है? जहां से पत्ती का क्या होता है? परिवर्धन होता है, उसे क्या कहा जाता है? पारोसंधि। ध्यान रहे,
पारव संधि से पत्ती का क्या होता है, परिवर्तन होता है, और उसके बाद में ये पर्व क्या है, इंटरनोड, इंटरनोड क्या है, पर्व क्या है कि दो पर्व संधियों के बीच के भाग को, यहां से लेकर यहां तक के भाग को क्या कहा जाता है, इंटरनोड बोलते हैं, इंटरनोड, यानी जिसे कहेंगे पर्व। तो ध्यान रहे कि पर्व संधि क्या है, पर्व क्या है। इस टाइम इसके बारे में आप मॉर्फोलॉजी आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान देंगे स्टेम क्या है, यह तरीका मुख्य आधार है जो एक प्रकार से पत्तियां, पुष्प, शाखाएं, फल सभी को धारण करने वाला कौन होता है, स्टेम होता है, जिसकी बाहें आकारिका का अध्ययन आप आगे करेंगे। लीफ पत्ती है जो एक प्रकार से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या बनाती है, भोजन का क्या करती है, निर्माण करती है। तो हम आगे जो क्रमशः पढ़ेंगे कि मूल की बाहें आकारिकी पढ़ेंगे, उसके बाद में हम तने की बाहें आकारिकी का अध्ययन करेंगे, पत्ती पुष्प आदि की बाहें आकारिकी का आगे अध्ययन करेंगे। तो बायोलॉजी क्लास में आज इतना ही, धन्यवाद।